नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंडिया, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना भूल भी जाते हैं, अपना गाड़ी का आरसी ले जाना भूल भी जाते हैं, तो आपको चालान देने की जरूरत नहीं है, चालान देने की डरने की जरूरत नहीं है। और कभी कभार चालान लग जाए किसी कारणवश तो वो भी आप ऑनलाइन चालान पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बता दूं आपको कि डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिजी लॉकर GOV.IN। दोस्तों ये फरवरी 2017 में ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था ये डिजी लॉकर, जिसमें आप फ्री, सिक्योर और फ्लेक्सिबल और इजी टू यूज, एक इजी टू यूज है और ये आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। इसमें पहले था कि आप 10 MB तक डेटा आप सेव कर सकते थे इस डिजी लॉकर में। आपने सुना भी होगा अक्सर न्यूज में या रेडियो वगैरह पे, एक डिजी लॉकर, एक नेशनल डिजिटल लॉकर सिस्टम आ रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसी बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि इसमें आप 1 GB तक फ्री स्पेस आपको मिलेगा और इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड या और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अपलोड भी कर सकते हैं और आप गेन कर सकते हैं। उसी जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड से आपको हाई स्कूल का मार्कशीट लेना हो तो वहाँ से आप इस सिस्टम की मदद से आप डायरेक्ट बोर्ड से ले सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस डिजी लॉकर के बारे में बता देता हूँ आपको, कि थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ सीधे कि इसकी वेबसाइट पे भी ले चलूँगा आपको, थोड़ा सा इसके डिटेल्स के बारे में बता दूंगा मैं। वेबसाइट के बारे में ये है कि आपको इसमें सबसे पहले साइनअप करना होगा। साइनअप करने के लिए आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर से आप इसमें साइनअप करेंगे, इस पर एक OTP नंबर आएगा और OTP नंबर जैसे आप इसमें पुटअप करेंगे। फिर दूसरा स्टेप जो होगा वो आपका आधार कार्ड का होगा। जब उसमें आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड डालने के बाद ये आपका आधार कार्ड किसी न किसी मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक फिर से OTP जाएगा उस आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए। जैसे आप उस OTP को डालते हैं तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप सीधे इसमें इंटर हो जाते हैं इस डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर में इंटर होने के बाद दोस्तों आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। मोबाइल मोबाइल ऐप भी है डिजी लॉकर का, मैं वो भी बता देता हूँ कि दोस्तों ये एक तरह से मोबाइल ऐप है, दोनों हैं, मोबाइल ऐप भी है और इसका वेबसाइट एड्रेस भी है। तो ये डिजी लॉकर इस तरह का सिंबल होगा, लोगो होगा, यहाँ से आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये बनाया हुआ एक ऐप है डिजी लॉकर, जिसको अभी तक 10 मिलियन पीपुल इसको डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं अपने मोबाइल पर। इसका रेटिंग 3.1 है। और इसके बाद इसमें मैं और चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लिखा है कि फरवरी 2016 में इसको लॉन्च किया गया था जबकि 17 नहीं। और इसकी वेबसाइट आपको मैं बताया था digilocker.gov.in है। और ये आधार कार्ड से एक्सेस होगा, इसमें आप डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें आप सेव कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं बता दूं कि ये मैंने इसमें लॉग इन किया हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो इसमें एक डैशबोर्ड होगा जो पूरा स्क्रीन बताएगा आपको, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आप सेव कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड है हमारा, मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। इसमें देखिए 3 डॉक्यूमेंट्स मेरे अपलोडेड हैं, इशू डॉक्यूमेंट्स 2 हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इस आधार कार्ड से जुड़े होंगे वो ऑटोमेटिक इसमें आप इसको चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये इसको आप इस लैपटॉप से या स्कैन करके मोबाइल से इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे इसकी खास बात यह है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ, ये ड्राइविंग लाइसेंस या आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो RC होता है वो इसलिए इजली इस ऐप में आप मोबाइल से स्कैन करके उसमें रख सकते हैं। और जब भी आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर आपको कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस और RC दिखाने के लिए कहता है तो आप इस डिजी लॉकर की मदद से उसको आप दिखा सकते हैं और उसको मानना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथेंटिकेटेड और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट हाईली हाईली सिक्योर्ड ये ऐप है, ये वेबसाइट है और उनको मानना होगा। तो दोस्तों इतनी सारी बातें तो मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये वेबसाइट है और इसका ऐप भी है। मैं बताया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEIT
ITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है इस ऐप को। और मैं बताया था इसमें कि कई सारे काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक और इम्पोर्टेंट जो है वह है यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट्स था, इसको मैं करता हूँ, भी आपको बताता हूँ। यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं और अपलोड यहाँ से कर सकते हैं, आप अपलोड करके अपलोड पे जा सकते हैं सीधे। और पूल्ड था, एक्चुअली पूल्ड करके था। हाँ ये देखिए पूल्ड है, एक पूल पार्टनर डॉक्यूमेंट्स जो है इम्पोर्टेंट बताया था इसमें। आप दोस्तों यहाँ पे जाके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, जिस मान लीजिए आपको कुछ निकालना हो, फिर यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, तो पूरा डिटेल भर देंगे आप इसमें और फिर गेट करेंगे डॉक्यूमेंट, सीधे वहाँ से बिहार बोर्ड से आ जाएगा आपके पास। आप CBSE के स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड का डालिए और यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th का मार्कशीट, माइग्रेशन, ये नीट रैंक, जो भी चाहिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डालेंगे अपना नाम, डालेंगे जो आपका आधार कार्ड में है, वो आप ही का आधार कार्ड से खुलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने इस अकाउंट में किसी और का ओपन कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे गेट करेंगे आप। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें। अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, ये आपको दो चीज़ों के लिए देता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स के लिए। मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस आप ऑनलाइन इसमें सेव करना चाहते हैं तो आप अपना सन और जो डॉक्टर लिखा होता है इस पे, ड्राइविंग लाइसेंस वो डालिए, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए और डॉक्यूमेंट्स आपको इजिली यहाँ से इजिली प्रोवाइड हो जाएगा। RC आप यहाँ से लेना चाहते हैं, RC क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, चेसिस नंबर डालेंगे और आपका जो जिस नंबर से आपका RC बना हो करके आप गेट डॉक्यूमेंट्स पा सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड से लिंकअप होगा वो इजिली आप यहाँ से पा सकते हैं। और इसके अलावा जो जो चीज़ें इसमें दिया हुआ है, जितनी चीज़ें इसमें दी हुई हैं वो आसानी से आप यहाँ से इजिली गेन कर सकते हैं और उसको आप सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ेगा तो आप उसको कहीं भी दिखा सकते हैं डैशबोर्ड पे जाके, और आप कहीं भी इसको दिखा सकते हैं, आपको जरूरत पड़े तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ नोटिफिकेशन में भी दिखा रहा है कि LPG सब्सक्रिप्शन वाउचर भी यहाँ से आप पा सकते हैं और भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे CBSE डिजिटल मार्कशीट भी यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, नीट का रैंक ले सकते हैं काफ़ी, और 1 GB का डेटा भी आपको सेव करने को मिल रहा है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है ये ऐप, इसको यूज़ करिए, क्योंकि अभी मेरा दोस्त जो है, मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्त मेरा एक ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना भूल गया और उसको चलान देना पड़ा, तो हम नहीं चाहते हैं दोस्तों कि आप ड्राइविंग लाइसेंस भूल जाएं और चलान देना पड़े। तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को इसमें डिजी लॉकर में सेव करिए और भी अपना डॉक्यूमेंट्स इसमें सेव कर सकते हैं क्योंकि ये हाईली सिक्योर्ड है। मैं शुरू में ही बताया था आपको, काफ़ी सिक्योर है ये और ये इसका पूरी जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है इसकी सिक्योरिटी की। और पैन कार्ड, जो भी आपका ID कार्ड वगैरह, वोटर कार्ड, सब कुछ इसमें आप सेव कर सकते हैं। तो ये डिजी लॉकर इंडिया के लिए क्रांतिकारी साबित होगा ताकि लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जो है हमेशा ना ले घूमें, वरना देखे होगा अपने कि लोग अपना RC ले घूमते रहते हैं, वो RC खराब हो जाता है। दोस्तों तमाम चीज़ें आप इसमें सेव कर सकते हैं और कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं। और तब तक देखते रहिए टेक इंडिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।